हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपका माध्यमिक एग्जाम 1 जून से ही स्टार्ट होगा। अभी तक डेट में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। शिक्षा परिषद की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि उन्होंने माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपकी बारी है, माध्यमिक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। किसी भी कंफ्यूजन में नहीं आइए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपका एग्ज़ाम होगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम 1 जून से ही स्टार्ट होगा और उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। 2021 के माध्यमिक एग्ज़ाम में एग्ज़ाम सेंटर को इंक्रीज किया गया है। जी हाँ, पिछले वर्ष 2839 एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, वहीं इस वर्ष 2839 को इंक्रीज करके 4200 एग्ज़ाम सेंटर किए गए हैं। अप्रॉक्स 4200 एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक एग्ज़ाम सेंटर पे स्टूडेंट्स की संख्या को भी मिनिमाइज किया गया है, कम किया गया है। इस साल प्रत्येक एग्ज़ाम सेंटर पर अप्रॉक्स 200 to 250 के बीच में स्टूडेंट होंगे। 250 से अधिक किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे स्टूडेंट नहीं होंगे। कोविड के सिचुएशन को देखते हुए ये सारे स्टेप लिए गए हैं। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मिला है कि अगर बेंच 8 फीट का रहा तो उस बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठेंगे, लेकिन अगर बेंच की लंबाई 6 फीट रहा तो अल्टरनेट कॉर्नर पे स्टूडेंट बैठेंगे। दैट मीन्स अगर फर्स्ट बेंच पर राइट कॉर्नर में एक स्टूडेंट बैठता है, देन सेकेंड बेंच के लेफ्ट कॉर्नर में दूसरा स्टूडेंट बैठेगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि प्रत्येक रूम में मैक्सिमम 10 बेंच लगाए जाएंगे। दैट मीन्स एक रूम में 10 बेंच से अधिक की अरेंजमेंट नहीं की जाएगी। इससे कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगी। इस बार वेस्ट बंगाल में अप्रॉक्स 13 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं माध्यमिक के, इसलिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, ओनली 1 मंथ आपके हाथ में है और माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास भी 1 मंथ है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अभी से आप बिल्कुल अच्छे से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरह के अफवाह में ना आए और अपने माध्यमिक के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम 1 जून से ही कंडक्ट होगा। सो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें।